नमस्कार मित्रों, मैं हूं संत लाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द इंग्लिश एजुकेशन एरा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2016 में आयोजित हुई प्राथमिक स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लैंग्वेज सेकेंड यानी द्वितीय भाषा जो कि हिंदी थी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए अविलंब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश लिखा हुआ है उसको ध्यान दे लीजिए। परीक्षार्थी भाग दो यानी 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा दो का विकल्प हिंदी चुना हो। तो यहाँ पे ध्यातव्य यह है कि देखिए, दो दो चीज़ें होंगी, ए ठीक लैंग्वेज वन एक होगा जो है और एक लैंग्वेज सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यदि आपने लैंग्वेज वन में इंग्लिश चुना है, ठीक, तो लैंग्वेज वन में इंग्लिश जब चुना है तो आपको लैंग्वेज वन की ही इंग्लिश करनी है, और यदि लैंग्वेज सेकेंड में जब आपने हिंदी चुना है तो हिंदी के इसी पार्ट को ही करना है। ध्यातव्य है आपके लिए, बाकी दो जगह हिंदी और दो जगह अंग्रेजी दोनों भाषाएं दी रहेंगी जो है। तो यदि आपने लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी चुना है तभी इस पार्ट को करना है, नहीं तो लैंग्वेज फर्स्ट में जब हिंदी चुना है तो दूसरे पार्ट को करना है, ठीक। तो ये जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी चुना था और लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी चुना था, अभी उस पार्ट को हम कल हल कर गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य पार्ट को भी हल करेंगे। आइए अविलंब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो कृपया शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्नों पर संख्या 121 से 135 के सही या सबसे उपयुक्त, यह चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे उपयुक्त जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है विकल्प को चुनिए, ठीक है। ऐसा होता है बहुत बार आप हल करते हैं तो बहुत सारे विकल्प यानी एक से अधिक कई विकल्प सही नज़र आते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो विकल्प होता है उसी का चुनाव आपको करना होता है। निर्देश आप ध्यानपूर्वक जब पढ़ेंगे तब आप इस बात को सही से मतलब समझ पाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 121, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो देखिए, बाल साहित्य का उद्देश्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में, बाल साहित्य मतलब बालकों के लिए प्राथमिक स्तर पर एक तरह से। तो देखिए ऑप्शन नंबर वन, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा देखिए, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो ऐसा नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को साहित्यिक विधाओं से ही परिचित कराने लगेंगे। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। और बच्चों के भाषा के नियमों की जानकारी देना, तो जी नहीं, प्राथमिक स्तर पे तो ऐसा नहीं है। तो देखिए, बच्चों को उत्साही पाठक बनाना या उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पे यही है। क्वेश्चन नंबर 122, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, यानी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं, ऐसा भी नहीं है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों में ही होता है, जी नहीं। देखिए, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, जो कुछ भी व्याकरण जैसे है का प्रयोग, था का प्रयोग, थी का प्रयोग, ठीक है, बहुवचन, एक वचन, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि जो कुछ भी प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सिखाया जाता है तो वह सब पाठ के संदर्भ में ही व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। तो देखिए, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, नहीं 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 ठीक, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा अच्छा ऑप्शन है। देखिए, कहानी कहने के तरीके द्वारा या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्य द्वारा, तो इसमें कहेंगे आप जो है देखेंगे ध्यान से तो लगेगा कि एक से अधिक विकल्प यानी कई विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वह बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 123। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 124। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। देखेगा ये, इसको ध्यान दीजिएगा, नियमित रूप से किया जा रहा हो तो कहा जा सकता है, लेकिन देखिए मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा है या लड़के लड़कियों का अलग अलग, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो तभी अवलोकन को आप जो है आकलन का भाग कह सकते हैं।
संख्या 125 देखिए। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार त की आवृत्ति यानी दंत वर्ण जो त है कि आवृत्त हुई हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, मान लीजिए आप एक शिक्षिका हैं तो नहीं, ऐसा तो आप करेंगे नहीं बिल्कुल जो है ठीक, त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे ऐसा आप करेंगे, लेकिन और विकल्प देख लीजिए, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे जी नहीं कि त ऐसा शब्द आप उसका समानार्थी दीजिए कि त आए ही ना, तो ऐसे तो बच्चा जो है त वर्ण का उच्चारण नहीं सीख पाएगा ना सही से। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे नहीं, जब तक देखिए उच्चारण नहीं करेगा बच्चा तब तक सीखेगा नहीं, सुनने से कुछ हल निकलने वाला है नहीं जो है ठीक। तो देखिए यहाँ मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है, त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी आप जब एक शिक्षिका होंगी तो। प्राथमिक स्तर पर प्रश्न संख्या 126, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, नाटक, मंचन, दुखे सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक सहायक होगा वह वीडियोग्राफी, बाकी और भी हैं लेकिन उतने महत्व के नहीं हैं। प्रश्न संख्या 127 की तरफ बढ़ते हैं, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, इस प्रश्न का उद्देश्य है। देखिए ऐसा यदि किसी बच्चे से प्राथमिक स्तर पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, बच्चों में गणित की ओर प्रवृत्त करना, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जो है गणित की ओर प्रवृत्त करेंगे इस हिसाब से प्रश्न पूछ करके जो है कि वो आम को गिनेगा या कुछ ऐसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों को नए शब्दों से परिचित करवाना भी बिल्कुल नहीं होगा जो है ठीक है। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन लास्ट देख लीजिए, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना जी नहीं। तो देखिए बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, भाई यदि बच्चे को आप ये कहें कि मैं तुम्हें एक डलिया आम भर कर दे दूंगा तो तुम क्या करोगे या क्या करोगी, तो इससे बच्चा खुद से सोचेगा, अपने अनुभव का प्रयोग करेगा, चिंतन करेगा, उसके बाद एक जवाब देगा, तो उसके अनुभव और चिंतन को ही महत्व दिया जा रहा है ऐसे प्रश्न पूछ करके ठीक। क्वेश्चन नंबर 128, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं तो। तो देखिए श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, हाँ ये करेंगे आप, लेकिन देखिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो सकता है इसमें से कोई हो, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जी नहीं, ऐसा तो आप नहीं करेंगे जो है, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करें जी नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। मोस्ट सुटेबल जो आप करेंगे ना, तो सबसे उपयुक्त इसमें जो ऑप्शन है, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे जब तक पुस्तकें नहीं मिलेंगी। आपका संख्या 129 की तरफ प्रोसीड करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 129, भाषा शून्य में भी विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है क्या? शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए विद्यालय पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला या पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया। तो देखिए भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इस कथन का तात्पर्य है कि ठीक भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन जो होता है वह जो है अनिवार्य होता है। आइए प्रश्न संख्या 130 की तरफ प्रोसीड करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 130 एंड प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, देखिए प्राथमिक स्तर पर सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन देखे गए ध्यान से, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना या व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में जो है कि सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऐसा नहीं कि प्राथमिक स्तर पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है या तो फिर एक तरह से जो है अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से बहुत ज़्यादा जैसे मंच वगैरह पर करने लगता है, तो ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होता है। मातृभाषा के लिपि की पहचान करवाना, तो लिपि तो ऐसा है नहीं कि आप हिंदी पढ़ाते हैं तो देवनागरी लिपि क्या है उसकी पहचान करवाएं बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, ऐसा भी कुछ नहीं, जो कुछ थोड़े बहुत व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं वो पाठ के अंदर जो व्याकरण होता है उसी के संदर्भ में सिखाए जाते हैं। तो देखिए मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 130 विल बी अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 131 की तरफ प्रोसीड करते हैं, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी भाषाई कौशल लेखन पठन वाचन सब
पाठ्य पुस्तक से ही हो, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। जी नहीं, यह भी तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए लास्ट वाला पढ़ लीजिए, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। जी नहीं, गलत बात है जो है। तो देखिए, सभी भाषाई कौशल जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। यह ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है, यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी प्राथमिक स्तर पे जब आप बच्चों को ये कहते हैं कि पढ़ के समझो जो है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण यह किसके किस संदर्भ में कहा जा सकता है? तो देखिए, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना तो पढ़कर समझना इसके लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है। जब पढ़कर खुद से समझेगा तो कहानी को अपनी भाषा में छात्र कहेगा जो है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, जी हाँ ठीक है, इसका भी विकास करने में महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, ऐसा भी हो सकता है यदि आप बालक से कहें जो है कि कहानी के बारे में कुछ जो है मॉडिफाई करो उसमें, या ऐसे करो वैसे करो। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, तो देखिए जब पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य है, तो कहानी पर आधारित व्याकरण समझना यही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 133। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, भाषा, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बात कही गई, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संक्रियाएँ जानना, जी नहीं ऐसा तो नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करवाना, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर जब आप बात करेंगे कि भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर कौन सा संकेत करता है, तो भाषा को अपने परिवेश, देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 134। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? देखिएगा, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, जब शब्दकोश का इस्तेमाल छात्र करेगा तो समानार्थी शब्द तो जानेगा, इस संदर्भ में महत्व है शब्दकोश का, ज़्यादा ही है कुछ मान लीजिए। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, जी हाँ, शब्दकोश में जब शब्द को लिखा हुआ देखेगा तो वर्तनी तो पहचानेगा, इस संदर्भ में शब्दकोश का महत्व अधिक हो सकता है और होता भी है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, ठीक है, देखेगा ये इसको, और किसी शब्द का अर्थ जानना, देखिए शब्दकोश होता ही इसीलिए है कि किसी शब्द का अर्थ जानेंगे, तो सबसे महत्व कम महत्वपूर्ण जो इसमें होगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 135 की तरफ पढ़ते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं? नहीं, देखिए, केवल विषय ही पढ़ते हैं ऐसा तो है नहीं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जी हाँ, अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन साथ साथ भाषा की तैयारी भी करते हैं। तो देखिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ भाषा की तैयारी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते आपकी भाषा की तैयारी करते हैं, क्योंकि जैसे भाषा मान लीजिए हिंदी है, अंग्रेजी है, तो उनके लिए हिंदी अंग्रेजी अलग से पढ़ेंगे वे, तभी तो हिंदी अंग्रेजी पे आधारित प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में दे पाएंगे। लेकिन जब भाषा से भिन्न कोई विषय बच्चे पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते रहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, और ऐसा होता भी है जो है, साइकोलॉजिकली होता भी है। अगला प्रश्न संख्या 136 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, और इसमें निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 136 से 143 तक जो है सबसे उपयुक्त, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है निर्देश में कि सबसे उपयुक्त, क्योंकि एक से अधिक विकल्प सही होते हैं इसमें, तो इस संदर्भ में आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा विकल्प इसमें हम लगाएं कि न लगाएं, कन्फ्यूजन, लेकिन सबसे उपयुक्त जो विकल्प है उसको एक चुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश में कुछ इस हिसाब से लिखा हुआ है, हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीद के खूनों से सनकर लाल हो गई, हजारों माओं की गोदे सुनी हो गई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। कुछ इस तरह से जो है, गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का माहौल पस्त था, कोई उमंग नहीं बची थी पर्व मनाने की, तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों और तभी भीड़ उमड़ेगी। तो इस तरह से देखिए ये पूरा पैसेज है, पैसेज पढ़ लीजिएगा आप जो है, पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है, तो पैसेज जब आप पढ़ लेते हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे आप पैसेज के आधार पे जो है आपको उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ देखिए पैसेज में ही है, 26 जनवरी का दिन शुभ दिन आया, लाखों की भीड़ उत्सुकता की प्रतीक्षा कर रही थी, इस तरह से। तो इस पैसेज के आधार पे जब आप प्रश्न पे प्रोसीड करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136 फर्स्ट क्वेश्चन है पैसेज के आधार पे, ये मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। तो देखिए लता मंगेशकर, पैसेज में ही दिया हुआ है पूरा उत्तर, आपको ध्यान नहीं देना है। तो लता मंगेशकर ने स्वर दिया था, ये सत्य है। प्रदीप ने लिखा है इस गीत को, ये भी सत्य है, पैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सी रामचंद्र ने संगीत दिया, यह भी सत्य है, पैसेज में लिखा हुआ है। लेकिन मन्ना डे ने सुर दिया था, यह सत्य नहीं है, ऐसा पैसेज में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 137। हाँ, यू हैव टू एंसर द दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। देखिए भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न होने का कारण था, तो देखिए उस समय क्या कारण था, चीन का दबाव ऐसा कुछ नहीं था, चीन से जो कुछ युद्ध होना था हो चुका था, हजारों युवकों का शहीद होना, जी हाँ उस समय हजारों युवक हमारे देश के चीन के साथ युद्ध करने में एक सैनिक के रूप में शहीद हो चुके थे। तो 26 जनवरी का जो पर्व मनाने के का उमंग न होने का सबसे प्रधान कारण था, यही कारण था उस समय, जो है प्रश्न संख्या 138 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी, भाई रक्षा मंत्रालय ने पैसेज में लिखा हुआ है कि उस समय सोचा कि कैसे मनाया जाए जो है 26 जनवरी, तो उस समय रक्षा और उसने सोचा कि यदि फिल्मी हस्तियां भाग ले तो ऐसा संभव हो सकता है, भीड़ ही नहीं इकट्ठा हो गई थी। तो देखिए रक्षा मंत्रालय को जब भी सूचना दी गई होगी तो यहाँ दिया गया होगा कि फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी, हाँ यानी कि रक्षा मंत्रालय जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम की तैयारी करे। देखिए पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है, प्रश्न संख्या 139, पीठ में छुरा भोंकना यानी विश्वासघात करना, हाँ पीछे से वार करना, पीछे से पीठ में छुरा भोंकना यानी विश्वासघात करना, प्रश्न संख्या 140 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया, तो भीड़ जुटाने के ही लिया गया, क्योंकि न कोई उमंग थी न उल्लास था त्यौहार मनाने के लिए गणतंत्र दिवस का, सारा माहौल पस्त था। तो गृह मंत्रालय ने सोचा, सरकार ने सोचा कि यदि फिल्मी हस्तियाँ भाग लें तो भीड़ जुट सकती है, माहौल बन सकता है त्यौहार को मनाने के लिए। तो भीड़ को जुटाने के लिए पैसेज के आधार पे आपको घबराना नहीं है, पैसेज पढ़ना है ध्यान से, उसके अनुसार आप उत्तर दे लेंगे। तो जानी मानी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि भीड़ जुटाना था उस समय जो है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 141। देखिए मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए मांग का सिंदूर पूछ जाना यानी कि विधवा हो जाना, प्रश्न संख्या 141 में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142, देखिए देश का हौसला पस्त था क्योंकि, क्यों पस्त था, क्योंकि फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, ऐसा नहीं तैयारियां नहीं की गई थी या कोई उमंग शेष नहीं थी, जी नहीं बिल्कुल, चीन से उस समय मात खाई गई थी, यानी चीन से हाल ही में युद्ध हुआ था उस समय, और चीन से हम हार भी चुके थे, हमारा देश भारत हार चुका था उस समय, ऐसी परिस्थितियां थी कुछ जो है, तो इसलिए जो है कुल मिला जुला करके चीन से मात खाई गई थी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 143, देखिए उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, ध्यान देना है आपको, आंसू उमड़ चले ऐसा आप प्रयोग करते हैं, भीड़ उमड़ चली या बहुत भीड़ उमड़ गई थी ऐसा आप प्रयोग करते हैं, नींद भी उमड़ आती है लेकिन दूध उमड़ने लगा ऐसा नहीं, देखिए दूध जो होता है वो उबलता है न कि उमड़ता है। प्रश्न संख्या 144 से और 150 का जो है वह भी एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के आधार पे आपको उत्तर देना है। पैसेज कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा देखें, बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था लेकिन तेज धूप न उसे सूखा और झुलसा डाला था, सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमस्ती हुई, रात में बिजली कड़कने से नींद खुली, थोड़ी देर में झिसियाँ पड़ने लगी, चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात गत जगे के रूप में हो गए। तो पूरा ये जो पूरा आपका पैसेज है, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे शुरू से अंत तक, देखिए ये पैसेज है यहाँ तक, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। और पैसेज देखने के बाद जो है पैसेज के आधार पर सबसे पहला प्रश्न आपका है 144, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पैसेज आप पढ़िएगा, घबराने की जरूरत नहीं, पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था, वाक्य का भाव है, तो देखिए ठनठन गोपाल होना मतलब कुछ न होना एक तरह से, तो आप देखिए पढ़ाई नहीं कर पाए थे, ये नहीं बारिश नहीं हुई थी, ठीक है बहुत बारिश हुई थी या अकाल के कारण पैसा नहीं था, देखिए साल के बारे में बात की गई है ना, लोगों के बारे में तो बात की नहीं गई है कि अकाल के कारण पैसा नहीं था। तो देखिए बारिश नहीं हुई थी यानी कि बारिश के लिहाज से वह साल जो था ठनठन गोपाल था यानी बारिश नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 145 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145, सावन सिर पर था इस कथन का आशय है, तो देखिए सावन सिर पर था यानी सावन आ चुका था, जैसे आप कहते हैं ना कि बारात सिर पर थी यानी बारात आ चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 145 में ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, शीघ्र वीडियो को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 146, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। जी हाँ, खुश थे लोग, बारिश न होने से परेशान थे, नहीं ऐसा तो नहीं, अगले दिन बारिश हुई थी, तेज बारिश होने से खुश थे, तेज बारिश तो हुई नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि तेज बारिश के न होने से खुश थे, ऐसा नहीं। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोग बारिश होने से खुश थे, जब आप गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें जो है गद्यांश के आधार पर उत्तर यह है कि लोग बारिश होने से खुश थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 147 देखिए, झींसियाँ शब्द का भाव है, तो झींसी मतलब बहुत हल्की बूंदाबांदी जो होती है उसको कहते हैं कि झींसी पड़ना। ठीक है, तो इसके अनुसार ठीक, बाकी पैसेज में भी इसका उत्तर दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से है। प्रश्न संख्या 148 देखिए, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया? तो हम जैसे ढीलों ने, जैसे उसने कहा ना कि और सभी बच्चे चले जा रहे थे, ठीक है, लेकिन हम जैसे ढीलों ने, तो हम जैसे ढीलों का तात्पर्य यहाँ होगा कि लेखक उस समय जो है विद्यालय से आ रहा था, ठीक है, पढ़ करके, तो दिमाग से कमज़ोर होना ऐसा नहीं है, बारिश का मजा लेने वाला ऐसा नहीं है, पढ़ाई में पिछड़े देखिए अच्छा लग रहा है ऑप्शन, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाला ऐसा नहीं। तो ढीलों, हम जैसे ढीलों ने इस शब्द का प्रयोग लेखक ने वहाँ उनके लिए किया है जो पढ़ाई में पिछड़े थे, यानी लेखक अपने को स्वयं पढ़ाई में पिछड़ा बताता है। ठीक, तो इस हिसाब से जो है प्रश्न संख्या 149 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? तो जो भीगना नहीं चाहते थे, जी नहीं, जो बारिश से बचते थे, देखिए, जो पढ़ाकू थे या जो डरपोक थे, तो डरपोक या बारिश से बचना या भीगना नहीं चाहना, ये तो ऐसा कहीं उल्लेख है नहीं, आप पैसेज को पढ़िएगा ध्यान से। तो सबसे सुटेबल और मोस्ट करेक्ट जो इसका सही आंसर है वह है जो पढ़ाकू थे, यानी जो लोग पढ़ाकू थे वे सीधा विद्यालय से पढ़ करके और सीधा पीठ पे बैग टांगे हुए जो है सीधा घर की तरफ चले गए, उन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। प्रश्न संख्या 150 और अंतिम देखते हैं दोस्तों, सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। देखिए, सावन सिर पर था और बादल लापता, इसको ध्यान से वाक्य को देखिए, ठीक है, तो दो वाक्य इसमें हैं, सावन सिर पर था और यहाँ शब्द देख रहे हैं आप जो है और शब्द, तो और फिर बादल लापता, यानी सावन सिर पर था और बादल लापता, इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ रहा है वह और नाम का शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, तो जब किसी कंजक्शन के सहायता से जो है दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो सावन सिर पर था और बादल लापता, इसमें जो है संयुक्त वाक्य है, न कि संकेतवाचक सकल या मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यह वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट खंड को लेकर के उपस्थित होंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि सारे के सारे प्रश्नों को शीघ्र आपको हल करा दें। इन प्रश्नों को देखिए दोस्तों, अगर आप हल करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एक रियल एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, आपको सही पैटर्न, सही प्रारूप और नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर या कैसे भी सारी चीज़ें जो है सही से पता चल जाती हैं, आपका अभ्यास हो जाता है, स्पीड बढ़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्नों को हल करें। तो आज की बस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत।